एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक सनस्क्रीन का रिव्यू कर रही हूँ। इसे मैं अप्लाई करने वाली थी तो मुझे लगा कि मुझे इसे आपको लगा करके दिखा देना चाहिए। और इसे यूज़ में काफ़ी समय से कर रही हूँ। आपने इसको देखा होगा हॉल वीडियो में, दिस इज़ पॉन्ड्स सन प्रोटेक्ट नॉन ऑयली सनस्क्रीन। एंड इसमें दो पैक आते हैं। ये मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया था, SPF 50 PA++ के साथ आता है। ये एक क्रीम है, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। तो अभी आप देखिए 35 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है, बहुत ज़रा सा लगता है, बट दिस इज़ ऑसम। और आप इसे हाथ पर भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो 5 सन डैमेज प्रॉब्लम्स से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्किन डार्कनिंग, रेडनेस, अनइवन स्किन टोन, फाइन लाइंस एंड डार्क स्पॉट्स, तो इन पांचों चीज़ों में ये प्रिवेंट करता है। एंड आँखों में ना लगाएं, कोई भी सनस्क्रीन हो आँखों में लगता ही लगता है, तो आँखों के थोड़ा सा संभल करके सनस्क्रीन लगाएं। तो मैं अभी लगा करके दिखाने वाली हूँ इसको। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स, 169 रुपीज़ का है ये। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। ये एक सनस्क्रीन क्रीम है और बहुत ही टाइटली इसका ये कैप ओपन होता है और बहुत अच्छा है ये। SPF 50 के साथ में आता है, लेकिन बहुत अफोर्डेबल रेंज में। मतलब SPF 50 या 40 से ऊपर के जितने भी सनस्क्रीन आते हैं 400-500 की रेंज में आते हैं, लेकिन ये आपको इतना सही प्राइस में सही क्वांटिटी मिल जाती है। मैंने ले लिया है सनस्क्रीन और अब मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। दिस इज़ टोटली नॉन ऑयली एंड बहुत ही अच्छा इसलिए भी है, अफोर्डेबल होने के साथ साथ एक जो वाइट कास्ट होती है सनस्क्रीन की फेस पर, सनस्क्रीन लगाने के बाद अलग ही जो चेहरा लगता है वैसा नहीं लगता इससे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और सनस्क्रीन एवरीडे लगाना चाहिए। हर टाइप के लोगों के लिए सनस्क्रीन अलग होता है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ज़रा मेरी स्किन में ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि ये ऑल स्किन टाइप है, तो इसे कोई भी लगा सकता है। हल्का सा यहां पर भी लगाएं, बस इस तरह। तो इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है स्किन में। और आप देख रहे हैं पहले से थोड़ा सा एक टोन फेयर ही लग रहा है, फेस डल नहीं लग रहा, ऑक्सीडाइज नहीं लग रहा, कुछ सनस्क्रीन से ऐसा लगता है। एंड दिस इज़ सुपर सॉफ्ट एंड नॉन ऑयली। और इसको आप अपने मेकअप से पहले लगा सकते हो और मॉइस्चराइज़र के बाद लगाना चाहिए सनस्क्रीन। और आप सनस्क्रीन दिन में अगर बहुत धूप में निकल रहे हैं तो कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें, अगर बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं। या फिर आप मार्केट में जो बहुत सारे स्प्रे सनस्क्रीन आए हुए हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको तो जस्ट स्प्रे करना होता है और SPF वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं धूप से बचने के लिए। तो ये सनस्क्रीन है अच्छा और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में कोई सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो। एंड इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन्स के रिव्यू किए हैं, तो आप मेरे चैनल पर चेक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सनस्क्रीन वाला जो लिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे सनस्क्रीन्स के रिव्यू जितने मैंने इस्तेमाल किए हैं। और मैंने ना बहुत अच्छे सनस्क्रीन बताए हैं फॉर किचन के लिए, जो लोग किचन में ज़्यादा रहते हैं उनके लिए। तो दिस इज़ द रिव्यू। एंड SPF 50 हैवी कवरेज देता है, इसलिए आप ये डे टाइम, नाइट टाइम, मतलब इवनिंग में 7 बजे तक आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। और आप मेरे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। और मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।